अस्सलाम वालेकुम, आज हमें मिल गए सलीम शेरू साहब जी। भाईजान कैसी तबीयत है आपके, कायद कौन है ये हमें बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया किबला। मेरा कायद है सिर्फ दो, वो दोनों ऐसे नाम है उनके जो बंदे सुनते तो बोलते माशाल्लाह अच्छे कायद चॉइस। सबसे पहले दीन का सबसे बड़ा जो समुंदर बोल दो वो अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब। वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसके बाद अगर सियासत में बात करेंगे तो फौर है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। मेरे सिर्फ दो कायद चॉइस किए और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पर मुझे नाज है। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। क्या जी, बिस्मिल्लाह जी, हम आज साईं सलीम शेर साहब हमारे मरकज पे तशरीफ लाए हैं इफ्तारी के लिए। हमने इनको खुश आमदीद कहा है। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मिन्हाजुल कुरान के बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार रहे हैं, आप भी माशाल्लाह खिदमत करते हैं। तो हम इनकी दुआ को अल्लाह ताला इनको और इज्जत भी अता फरमाए और ये जिस तरह कम्यूनिटी की खिदमत कर रहे हैं करते रहें, और हमारी दुआ अल्लाह ने हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, हक बात कहें, सच बात कहें, और अल्लाह ताला इस मरकज़ को भी आबाद रखे। रफीबा भी तशरीफ लाएंगे आज, आपको वेलकम कर देना। बहुत बहुत मेहरबानी सर, आपकी फैमिली के साथ आज माशाल्लाह। रफी भाई कुछ आप भी दो लफ्ज बोले, जैसे आपकी भी माशाल्लाह बहुत ही खिदमत है, बहुत सीनियर हमारे रफी कुर्बानी दी। बस यही है कि आप सब लोग जो है ना इत्तेफाक से इत्मीनान से रहे, और जो पहले जो लड़ाई झगड़े होते रहे हैं उस तरीके से लड़ाई झगड़ों से आप सब लोग निकले। हाँ, जो है ना जब जो है ना प्यार मोहब्बत से वो रहे। ये जैसे कि अलामा शकील सानी साहब जैसे आए हैं अभी कि किसी के साथ कोई भी कोई मामला है तो वो कहते हैं कि खत्म करो ना। बिल्कुल अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। हाँ जी, उनकी प्यार मोहब्बत जो है ना सबके साथ है। जी देखिए, जो शेख साहब की फिक्र भी यही है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबको सीने लगाया, मेरे पास आप सब लोग आते हैं, कम्युनिटी सारी कम्युनिटी जब चाहूँ सारे 200-400 लोग ये मेरी तरबियत ऐसी की है, मेरे शेख उस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह मिनाजुल्कुरान की तरबियत है। तो इंशाल्लाह ताला ये मरकज़ मिनाजुल कुरान का है ताकि हमें क़यामत यहाँ हुज़ूर शेख उस्लाम की तालीमात के मुताबिक फैज जारी रहेगा। सलामत रखे, बहुत मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।